सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ ICICI बैंक का आई मोबाइल से आप स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ अपने ICICI बैंक से कितने अपने एक महीने के दो महीने के अंदर में ट्रांजेक्शन करा, कितने आपके बैंक अकाउंट में पैसा घुसा, कितना अपने निकासी करा, सारे स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ ICICI बैंक का स्टेटमेंट आप कैसे निकालेंगे। आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने छोटे रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के ऊपर से लेटेस्ट वीडियो बनाए सबसे पहले देखने के लिए। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से आई मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना। पहले से मैंने डाउनलोड कर लिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सिंपली जाकर हमसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं आई मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये आपके पास है, इस तरह का आपके पास डिस्प्ले होगा ICICI बैंक आई मोबाइल पे। ये ऑफिशियल साइट है ये ICICI बैंक का, ये इसी से पूरा सर्विसेज आप ले सकते हैं। कौन कौन सी सर्विस है, ये सारी सर्विसेज आप आई मोबाइल एप्लीकेशन से देख सकते हैं। जैसे पिन डालेंगे ऑटोमेटिक रिटैक कर लेगा, ऑटोमेटिक ये पेज पर आपको आने लगेगा, क्योंकि क्या क्या सर्विसेज आपको यहाँ पर ICICI आई मोबाइल में मिलती है। फंड ट्रांसफ़र, बिल पे, रिचार्ज, यहाँ पे माई अकाउंट कार्ड एंड फॉक्स लोन का आपको, ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको साइड में यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएगा, स्टेटमेंट, डेबिट कार्ड, सर्विस। आपको यहाँ पे फर्स्ट में स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। स्टेटमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र, बिल पे, ओपन FD, मल्टी फंड आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, और सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे शो करेगा। अकाउंट में मेरे कितना बैलेंस हुआ आपको शो करेगा, टोटल कितना बैलेंस हुआ ये आपको शो करेगा। आपको स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे सेकंड में डिटेल या स्टेटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है, देखिए आप एक महीना का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, या तीन महीना का, या छः महीना का, या वो एक साल का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। वो सारी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे लास्ट एक मंथ का निकालना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक करा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे आप टू ऑप्शन यहाँ पे को मिल जाएगा। आप व्यू PDF में निकालना चाहते हैं तो सेंड ओवर ईमेल पे, आप दोनों में जो आपको पसंद है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सेंड ओवर ईमेल पे, मैं ईमेल पे ये स्टेटमेंट निकालना चाहता हूँ, मैंने पे सेंड ओवर ईमेल पे क्लिक करा। आपको यही ईमेल पे आपको स्टेटमेंट जाएगा, जो ईमेल यहाँ पे को ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। सेंड ईमेल पे क्लिक करना। सेंड ईमेल पे क्लिक करना, देखिए ये ईमेल पे मेरा चल गया ये स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको शो कर देगा यहाँ पे। इससे आप चेक भी कभी कभार नहीं जाएगा सर, स्टेटमेंट यहाँ पे रेफरेंस नंबर से चेक भी कर सकते हैं। चलिए मेरा यहाँ पे ईमेल पे चल गया, मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं चल जाता हूँ अपने वहाँ पर ईमेल पे चल जाता हूँ, देखिए वहाँ पर मेरा स्टेटमेंट गया या नहीं गया, वहाँ से चेक कर लेता हूँ मैं। ईमेल पर मैंने क्लिक करा, इस पर मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ये लोडिंग लेगा। चलिए यहाँ पर मैं रेफरेंस यहाँ पर कर लेता हूँ। पास देखिए ICICI बैंक का स्टेटमेंट आ चुका है। देखिए कस्टमर केयर एट देयर ICICI बैंक स्टेटमेंट फॉर्म, ये 1.5 तारीख का लिखा हुआ यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा। चलिए यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए ये थोड़ा यहाँ पे लोडिंग लेगा। देखिए ICICI बैंक का ये स्टेटमेंट है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इसको मैं स्टेटमेंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये प्रोसेसिंग है, ये लोडिंग लेगा। चलिए इसको यहाँ पे मैं वेटिंग होने देता हूँ। देखिए ओपन होने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपके पास, यहाँ पे पासपोर्ट मांगा जा रहा है। पासपोर्ट यहीं पे आप करेगा, जो अकाउंट नंबर है वही आपका पासपोर्ट रहेगा, वही आपको अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालकर ओपन पे क्लिक करना है। पूरी तरीके स्टेटमेंट यहाँ पर ओपन हो चुका, मैंने कितना ट्रांजेक्शन किस डेट को करा वो सारी डेट यहाँ पर आपको आ जाएगी। देखिए मैंने 3/17/2021 को मैंने 1500 रुपये ICICI मोबाइल एप्लीकेशन में मैंने ट्रांसफ़र करा, तो वो 1500 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है। एक मैंने 28/6/2021 को 37 रुपये मैंने ट्रांसफ़र करा था ICICI बैंक में। एक मैंने करा था 28/6/2021 को 38 रुपये करा था। एक मैंने यहाँ पे 1 रुपये करा था। ये मेरा इतना एक महीने की ट्रांजेक्शन में, एक महीने से कम में ट्रांजेक्शन है, कम में करा इतना मेरा एक महीने का ट्रांजेक्शन पूरा है। लगभग ये नहीं तो ट्रांजेक्शन आपको 10 से 5 रुपये का इतना ट्रांजेक्शन मैंने इतना करा। ये मेरा ICICI बैंक का आई मोबाइल के एप्लीकेशन में मैंने ये स्टेटमेंट आपको मैंने निकाल के दिखाया। आई होप ये वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन कॉमेंट कर आप नीचे पूछ सकते हैं।